हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में, जो कि है हाईएस्ट शिवा टेंपल पूरे वर्ल्ड में। आप देखने वाले हो मेरी तुंगनाथ यात्रा, और साथ ही में आप देखोगे मैं कहाँ पर रुका, मेरा कितना खर्चा आया, और तुंगनाथ यात्रा आप कैसे कर सकते हो। साथ ही हम बात करेंगे तुंगनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। तो भाई ये मैं रुका हुआ अभी तुंगनाथ में, और तुंगनाथ में मैं रुका हूँ कैंप एरिया में। हम लोग आए वहाँ से ऊपर से, और ऊपर है तुंगनाथ मंदिर, और ट्रैक हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। ये पूरा कैंप एरिया है और मैं रुका हुआ एक नॉर्मल कैंप में, इन टेंट में नहीं रुका हुआ भाई। वैसे इनकी रेट्स क्या है अगर इसमें कोई रुके तो? अगर ऐसे टेंट में रुकते तो 1500 रुपये पर पर्सन में। मैं अच्छा, इसमें डिनर ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। तो भाई ये आपको बहुत सही प्रॉपर्टी आपको मैं दिखा रहा हूँ, 1500 रुपये में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है आपको। ये देखो, यहाँ से नंबर भी लेकर बुक कर सकते हो। और व्यू देखो, सबसे मेन चीज़ है यहाँ का व्यू देखो, पूरा व्यू देखो। ये देखो, और मैं रुकाऊँ देखो ऐसे टेंट में, ये देखो, क्योंकि ये सारे फुल हो चुके थे इधर वाले, तो मैं इस टेंट में रुकाऊँ। और हम दो लोग तो 800 रुपये में हम दो बंदे रुक रहे हैं यहाँ पे। और वापस व्यू देखो भाई, भाई ये जो जगह देख रहे हो इसको बोलते हैं चौकटा लोकल टैक्सी स्टैंड, ऐसा बोर्ड दिख जाएगा देखो। यहीं से तुंगनाथ जी की चढ़ाई स्टार्ट होती है, ये देख लो, ये देख लो, यहाँ से शुरू होती है हमारी तुंगनाथ जी की चढ़ाई, ये देख लो। और ये पूरा पीछे चौकटा, ये आपको दिख रहा है, ये एरिया है चौकटा, देख लो भाई। ऐसे हम मार्केट में से होते हुए निकलते हैं, और इस साइड रूम भी बने हुए, अगर आप इधर रूम लेना चाहो तो इस साइड रूम ले सकते हो भाई, बहुत महंगे हैं इधर, और ना साफ़ सुथरे रूम। हम लोगों ने देखा था इस वाले में भी भाई, बहुत ही बुरा रूम था इसमें, और 3500 रुपये का। यहाँ पे अगर आपको घोड़ा खच्चर लेना है वो भी, इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे आप रेट पढ़ सकते हो, जैसे चौपटा से तुंगनाथ आना जाना 1300 रुपये, चौपटा से तुंगनाथ एक तरफ 900, आप पॉज करके भी रेट पढ़ सकते हो, ये देख लो। और इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएंगे घोड़ा खच्चर ऐसे, ये देखो। तुंगनाथ जाते समय भाई ऐसा बहुत सुंदर सुंदर व्यूज मिलेंगे आपको, देखो ये व्यू देखो। ऐसे ही चौपटा को नहीं कहते, मिनी स्विट्जरलैंड, देखो कितना सुंदर व्यू है। और ये ट्रैक है, ट्रैक से हम लोग थोड़ा साइड में हट के इस साइड आ चुके हैं। ये भाई देखो बीच में से ऐसा रास्ता दिख रहा है, ये शॉर्टकट हम ट्रैक करके आए हैं यहाँ से, ये देखो। और ऐसे ही जा रहा है घूम के पूरा रास्ता, इधर आ रहा है। और ये कोई आउटलेट बना हुआ है, अभी देखते हैं अगर यहाँ पे हम कुछ खाते हैं या नहीं। बाकी भाई ये वाला व्यू देखो कितना सुंदर है, ये देखो। हालांकि कहते हैं तुंगनाथ का ट्रैक बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, अभी तक मुझे इतना डिफिकल्ट लगा नहीं, ईजी ट्रैक है। और मैंने देखा भाई बूढ़े बूढ़े लोग भी ट्रैक कर रहे हैं भाई। जैसे एक आउटलेट बना हुआ आप देख सकते हो, आपको जगह जगह पर ऐसा आउटलेट दिख जाएंगे। यहाँ से मैं ले रहा हूँ कॉफ़ी, जो कि मुझे पड़ रही है 40 रुपीज़ की। भाई अगर तुंगनाथ आ रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जगह जगह पर आपको ऐसे शॉर्टकट दिखेंगे, जैसे ये शॉर्टकट दिख रहा है, ये शॉर्टकट दिख रहा है, आप शॉर्टकट मत लेना, यहाँ पर शॉर्टकट लेना अलाउड नहीं है। अगर शॉर्टकट लेते हो तो मिनिमम 500 रुपीज़ जुर्माना, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ये देखो इस तरीके से शॉर्टकट है, लोग जा भी ना। और ये अगर धराई में आ गए तो भैया इनके फाइन लगेगा।
भाई ये वाला व्यू भी देखो कितना मस्त है। ऐसे हम लोग घास में बैठे हैं और भाई मैं खा रहा हूँ कुरकुरे, तो बढ़िया व्यू में ये देखो। भाई एक चीज़ दिखा दो, तुंगना ट्रैक पे ये देखो लोगों ने ऐसे कचरे पटक रखे हैं, इतने भी चूतिया नहीं होना चाहिए भाई, जो अपना कचरा लेके आ रहे हैं खुद लेके जाए। और पूरे ट्रैक पे जगह जगह पे ऐसे कचरे डालो भाई, ये देखो ये देखो भाई जगह जगह पे ऐसे कचरे पटक रखे। इतना भी चूतिया नहीं होना चाहिए लोगों को। अगर आपको कुछ खाना हो पीना हो तो जगह जगह पैसा आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे, देख लो। ये वाली चढ़ाई देखो भाई कितनी खड़ी चढ़ाई है, और अभी तो हमें इतनी ऊपर जाना, ये देखो वो दिख रहा है चोटी वहाँ तक। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो नीचे है चोपटा, आपको दिख रहा होगा। अब देख रहा हूँ कहाँ से आए, अब देखो कितनी ऊपर है, ये देखो कहाँ आ गए ट्रैक करते करते। और जगह जगह पैसे आपको बैठने की जगह मिल जाएगी, आप यहाँ बैठ सकते हो रेस्ट कर सकते हो। भाई ये देखो जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, ये देखो ये दिख रहा मंदिर हर हर महादेव। और ये पूरा ट्रैक है। तो भाई एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये तो हम आ चुके हैं मंदिर के पास, सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, ये देखो दिखा देता हूँ ऊपर, ये देखो। और यहाँ पे ऐसे आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, और ये पूरा ट्रैक आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिया एक पराठा, ये देख लो आलू पराठा है, और भाई आप शॉक्ड हो जाओगे 60 रुपये का पराठा और इतना बड़ा और इतना सही। हर हर महादेव। भाई देख लो यहाँ पे इतना सस्ता पराठा हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे लूट नहीं है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे। ये मंदिर के एरिया में हम आ चुके हैं, ये ऐसे आपका एंट्रेंस गेट दिख जाएगा, और इधर से जा रहा है चंद्रशिला का रास्ता, तो कंफ्यूज मत होना, आपको इधर से जाना है मंदिर के लिए, ऊपर मंदिर है। और प्रसाद वगैरह लेना हो तो आपको ऐसे जगह जगह पर आउटलेट मिल जाएंगे। अगर आपका नेट सही चल रहा है तो यहाँ पर भाई UPI भी लेते हैं, तो ये चीज़ सही है। भाई ये देख लो ये आ चुका हम लोग मंदिर में, ये रास्ता, और ये जो आपको भीड़ दिख रही है यह है पानी भरने की भीड़ जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। ये देख लो भाई भीड़ पानी भरने की, और ऐसा कलश आपको अंदर मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहो तो अंदर से लेके आ सकते हो, यहाँ से पानी भर के आप अंदर चढ़ा सकते हो। ये भाई देख लो ये है मंदिर परिसर में आ चुका, और भाई मंदिर देख लो कितना सुंदर मंदिर है, ये देख लो हर हर महादेव। ये भाई मंदिर परिसर में ना आपको ऐसे कलश मिल जाएंगे, और वहाँ से लाके आप इधर आ सकते हो, और इधर पानी भर सकते हो कलश में, और आराम से आप मंदिर में अंदर चढ़ा भी सकते हो। तो भाई फाइनली अब आ चुके हैं हम लोग मंदिर में, जय बाबा तुंगनाथ की, हर हर महादेव। दर्शन मैंने कर लिया भाई, दर्शन बहुत मस्त हुआ, और खैर ज़्यादा भीड़ है नहीं तो इसलिए दर्शन में मजा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत बढ़िया हो गया, आप मंदिर के गर्भ गुफा में जा सकते हो, और अंदर है ना जल चढ़ा सकते हो शिवलिंग पे। और भाई देख लो कितना सुंदर मंदिर है, और भाई यहाँ की वाइब सच बता रहा बहुत ही अलग लेवल की वाइब्स है यहाँ पे। तो भाई तुंगनाथ मंदिर के बारे में आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। सबसे पहले इसका एल्टीट्यूड के बारे में बताऊँ, इसका एल्टीट्यूड है 3640 मीटर एल्टीट्यूड है।
अप्रॉक्स 12,000 फीट इसकी हाइट है एल्टीट्यूड का, जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक पर शिवा टेम्पल है। ये अपने इसीलिए के फेमस है। और ये 2 साल पुराना मंदिर है और पंच केदार में से एक मंदिर माना जाता है। इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप भीड़ देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं एक चीज़ और बता दो, मंदिर तो इस साइड है, आपको ऐसा बोर्ड भी दिख जाएगा चंद्रशिला जाना है तो चंद्रशिला का ट्रैक यहाँ से और लिखा हुआ भी 1 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेट 1-1.5 घंटा आपको चंद्रशिला जाने में यहाँ से लगेंगे। और मंदिर का रास्ता है इधर से और ये पूरा ट्रैक आ रहा है यहाँ साइड से, तो आप चंद्रशिला भी जा सकते हो। हालांकि मैं अभी चंद्रशिला जा नहीं रहा, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं कभी और दिखाऊँगा आपको। ये देख लो आप तुंगनाथ मंदिर, तो भाई ये देख लो ये पूरा जा रहा है चंद्रशिला ट्रैक। और ऊपर आपको दिख रहा होगा वो छोटा सा मंदिर, देखो ये देखो जूम करके दिख रहा है, वो है चंद्रशिला पॉइंट, वहाँ तक लोग जाते हैं और भाई वहाँ से व्यू बड़ा मस्त आता है। और चंद्रशिला का सबसे मस्त व्यू आता है विंटर ट्रैक में, अगर आप विंटर ट्रैक करोगे तो आपको और मस्त व्यू आएगा। ये देख लो ये ट्रैक चल रहा है और ये इतना डिफिकल्ट ट्रैक है नहीं, ये लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट, खड़ी चढ़ाई है बट 1 किलोमीटर में आराम से आप कर सकते हो। ऊपर देखो